ओके, लेट्स कंटिन्यू. जो जिग्राफी हम लोग कर रहे थे, ओशनोग्राफी वाला, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड तक कर लिया था हम लोगों ने, कॉन्गो बेस नहीं, सुंदरबन डेल्टा तक. अगला क्वेश्चन करते हैं. मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. गल्फ स्ट्रीम, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, परू करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. स्ट्रीम को उनके ओशन से करना है. पैसिफिक ओशन. स्लो ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ओवर द जोन ऑफ वेस्टर्ली विंड. इंडियन ओशन. वार्म करंट. तो गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है, यानी कि ए का फोर होना चाहिए. परू करंट कोल्ड करंट है, पैसिफिक ओशन में है. परू या हम्बोल्ट करंट, ये लैटिन अमेरिका के, साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड होती है. तो वेस्टर्न पैसिफिक तो ईस्टर्न है, बट साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड है. तो सी का वन होना चाहिए. है परू करंट कोल्ड करंट, तो सी का वन, सी का वन, सी का वन होना चाहिए. ए का फोर होना चाहिए, सी का वन होना चाहिए. अब बी ओ डी पे आते हैं. वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. ऑस्ट्रेलिया के दोनों साइड करंट है, वेस्ट और ईस्ट. ईस्ट वाली हॉट है, वेस्ट वाली कोल्ड है. तो इंडियन ओशन में है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, तो सी का थ्री होना चाहिए. सी का थ्री, सी का थ्री, सी का थ्री, बी का, सी का थ्री तो कोई नहीं है. सी का वन पैसिफिक ओशन, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक ओशन. देखते हैं. डी का तो मैंने कर दिया ना, वेस्ट ऑस्ट, नहीं सॉरी, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, सॉरी. सी परू करंट, परू करंट तो हो गई थी ना. परू करंट वन पैसिफिक, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इंडियन ओशन, यानी कि डी का थ्री, डी का थ्री, यानी कि ए ऑप्शन होना चाहिए. और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तो बिल्कुल सही है. वेस्ट विंड ड्रिफ्ट होती है वेस्टर्ली जो विंड होती है. वेस्टर्ली का मतलब वेस्ट से आने वाली, से ईस्टवर्ड, मतलब एक तरह से मूवमेंट हो गया. तो वो जो ड्रिफ्ट विंड आती है उसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं. वेस्ट विंड ड्रिफ्ट दिखती कैसी है? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये रही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट. इंडिया से साउथ अमेरिका के बीच में वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, सदर्न ओशन में वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये जाना चाहिए ओशियानिया में, क्लाइमेटोलॉजी में, क्लाइमेटोलॉजी में जाना चाहिए. जिराफे टॉपिक वाइज सीट, क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी ये रहा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट. ये इग्नोर, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट साउथ पैसिफिक के नीचे. चलो अगला. दो स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट है, कुरोसियो इज ए वॉर्म. थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, साइज हो जाएगा क्या? हाँ हो गया. क्रोसियो इज ए वार्म नॉर्थ फ्लोइंग ओशियन करंट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ नॉर्थ पैसिफिक. क्रोसियो पैसिफिक में इसमें कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ पैसिफिक में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. वार्म होती है ये भी बिल्कुल सही है, नॉर्थ फ्लोइंग है ये भी बिल्कुल सही है. नीचे से आती है इक्वेटर से और जापान के आसपास, जापान एशिया, और नॉर्थ की तरफ जाती है, गर्म होती है. नॉर्थ पैसिफिक पहला स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही है. दूसरा, प्रेजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ वोल्केनोस, क्योंकि जापान के पास है तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे. प्रेजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ वोल्केनोस एट द बॉटम ऑफ सी ऑफ जापान इज रिस्पॉन्सिबल. तो ये नहीं, वोल्केनो की गर्मी नहीं है जो क्रोसो को गर्म कर रही है. ये टेम्परेचर और सलाइनिटी का, जो टीएस का जो स्ट्रक्चर है थर्मोलाइन करंट का, वो सर्कुलेशन है. तो स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू सही नहीं है. स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स का सी होगा. क्रोसमिक करंट वार्म है वाटर लेवल के टेम्परेचर की वजह से ऑन ईस्ट चाइना सी एंड नाइबरिंग ओशन.
तो 61 का सी, ये बिल्कुल सही बताया मैंने। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग सी और गल्फ आर कनेक्टेड बाय द स्वेज कनाल, कौन सा जो सी या गल्फ है वो स्वेज कनाल से कनेक्टेड है। स्वेज कनाल इजिप्ट के बगल में स्वेज कनाल खोदा गया था एक रास्ता बनाने के लिए इजिप्ट के बगल से रेड सी। रेड सी जो है मतलब एक तरीके से इजिप्ट समझ लीजिए कि अफ्रीका और एशिया के बीच में इजिप्ट की बाउंड्री है। इजिप्ट का रीजन जो है अफ्रीका एशिया के बिल्कुल बीच में पड़ता है और सिनाई पेनिनसुला उसको बोलते हैं। तो वो रेड सी है नीचे, तो रेड सी बंद अगर कर दे तो जो यूरोप से निकलेगा सिर्फ उसको पूरा अटलांटिक घूम के आना पड़ेगा अफ्रीका के नीचे से। तो अगर स्वेज कनाल हो जाए तो अटलांटिक से सीधे नीचे 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 मतलब मेडिटेरेनियन होते हुए, मेडिटेरेनियन होते हुए ब्लैक सी होते हुए वो रेड सी में पहुंच जाएगा। तो एक तरीके से पर्शियन गल्फ और अरबियन सी तो नहीं है, मेडिटेरेनियन गल्फ ऑफ ओमान भी नहीं है, रेड सी तो है इजिप्ट के नीचे अफ्रीका एशिया के बीच का, रेड सी तो है। अब रेड सी और गल्फ ऑफ ओमान, नहीं, गल्फ ऑफ ओमान तो यहाँ है ही नहीं, गल्फ ऑफ ओमान तो इधर है मतलब पर्शियन गल्फ के पास है। तो मेडिटेरियन सी और रेड सी होना चाहिए, मेडिटेरेनियन और रेड सी। मेडिटेरेनियन का मतलब आप समझ लीजिए कि मेडिटेरेनियन जो है वो इटली, साउथ यूरोप हो गया, इटली हो गया, टर्की हो गया, ये जो सारी कंट्रीज हैं मेडिटेरेनियन वाली। और रेड सी, रेड सी से आपको सारा मिल जाएगा, आपको इधर से अफ्रीका भी मिल जाएगा, आपको मतलब दूसरी साइड अरब भी मिल जाएगा रेड सी के इधर, रेड सी से आप अरेबियन सी आके आपको इंडिया भी मिल जाएगा, चाइना का भी बॉर्डर मिल जाएगा। तो स्वेज कनाल एक बहुत बड़ा शिपिंग रूट है मेडिटेरेनियन और रेड के बीच में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वेज कनाल एक आर्टिफिशियल है, ये मेडिटेरेनियन और रेड को कनेक्ट करता है। स्वेज कनाल का एक बार फिगर देख लेते हैं, वैसे इजिप्ट में मैंने डाला हुआ है, 100% डाला हुआ है स्वेज कनाल। जी रहा स्वेज कनाल, मेडिटेरेनियन, ये मेडिटेरेनियन है, ये रेड है, ये स्वेज कनाल, मेडिटेरेनियन रेड, इसको मुझे डालना है चाहिए वेस्ट एशिया में भी। बायोजियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोजियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, वेस्ट एशिया में इकोनॉमिक जियोग्राफी, सेफरन। स्विच कनाल का रूट दिखाया तो है मैंने, मेडिटेरेनियन और रेड, साफ साफ है ये मेडिटेरेनियन है, रेफ्ट है, और इससे ज्यादा साफ क्या होगा भाई, स्विच कनाल, मेडिटेरेनियन एंड रेड। नहीं ऐसा बात नहीं कि दिखाया नहीं, ये देखो मेडिटेरेनियन और रेड। मेडिटेरेनियन एंड रेड तो ये रहा पोर्ट सईद, यहाँ पे एक लेक है ग्रेट बिटर लेक, इजिप्ट में ही होगी, गल्फ ऑफ स्वेज। पोर्ट सईद, ग्रेट बिटर लेक।
आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइड प्रोड्यूस्ड एज ए कंसिक्वेंस ऑफ मून एंड सन पुलिंग द अर्थ इन सेम डायरेक्शन। अगर मून और सन दोनों पुल करेंगे अर्थ के, अर्थ को पुल करेंगे, तो वो ग्रेविटेशन पुल लैंड पे तो नहीं, पानी को अपनी तरफ चल चला देगा। तो मून और सन दोनों जब पुल करेंगे तो मेरे हिसाब से स्प्रिंग टाइड आता है, और जब सन और मून दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो नीप टाइड आता है। स्प्रिंग टाइड अगर व्हेन द सन एंड मून आर डायरेक्टली इन लाइन विद अर्थ, देन द ग्रेविटेशनल पुल रीइंफोर्सेस जाता है, जब कैंसिल आउट करता है तो नीप टाइड आता है। विच वाटर बॉडी सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड? आई थिंक तस्मानिया सी है, और 100% तस्मानिया सी है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू जी लैंड मैप। जी रही तस्मानिया सी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सी, जिसमें छोटा सा आइलैंड है तस्मानिया। जी है ना तस्मानिया, तस्मानिया डार्विन इसी में। नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्ट चर्च। नॉर्थ आइलैंड पे वेलिंगटन है, साउथ आइलैंड में क्राइस्ट चर्च है। ये फिगर मुझे चाहिए भाई, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ इसमें तस्मान सी नहीं दिखाया। वो भी दिख जाएगा, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा न्यूजीलैंड, बीच में रहा तस्मान सी। इसमें तस्मानिया भी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मान सी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में। साफ साफ दिख रहा है इंडिया पैसिफिक, तस्मान सी। इनफैक्ट इस वाले मैप को हटा सकते हैं, ये वाला ज्यादा क्लियर है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन भी दिख रहा है इसमें, इंडोनेशिया भी दिख रहा है, पापुआ न्यू गिनी भी दिख रहा है, वनुआतू, कैलिफोर्निया भी दिख रहे हैं, तस्मान सी भी दिख रहा है, तस्मानिया भी दिख रहा है, न्यूजीलैंड भी दिख रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का सबसे बढ़िया है। तिमोर लेस्ते भी दिख रहा है। तस्मानिया भी दिख रहा है। विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया ज्यादा ही बड़ा है। इतना ठीक है, ये तो पक्का है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सी है। तो विच वाटर बॉडी सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड? तस्मान सी। सुनामीज आर नॉट कॉज्ड बाय हरिकेन, अंडरसी लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन। अर्थक्वेक यस, वोल्केनो यस, अंडरसी लैंडस्लाइड यस, हरिकेन से नहीं होते। हरिकेन तो ऊपर एटमोस्फेरिक एयर में साइक्लोन है ना, साइक्लोन थोड़ी ना सुनामी कराएंगे, तो हरिकेन से नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज आर इनक्लोज्ड? अंडमान सी इनक्लोज्ड नहीं है,
अरब सी है, सिया फजोव तो 100% है, रसिया और यूक्रेन के बीच में, और रसिया ये दोनों साइड अब तो, क्योंकि क्योंकि वो जो पेनिनसुला है जिस अजोव के दूसरे साइड क्रीमियन पेनिनसुला, वो तो रसिया ने ले लिया है, तो राइट हैंड साइड भी रसिया है, लेफ्ट हैंड साइड भी रसिया है, यूक्रेन नहीं है, सी ऑफ अजोव रसिया के ही दोनों साइड है। बीरिंग सी अमेरिका और रसिया के बीच में, आई थिंक ये नहीं है एनक्लोज, अंडमान नहीं है, बीरिंग नहीं है, तो अरब और सी ऑफ अजोव 2 एंड 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सिक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सलाइनिटी, सबसे ज्यादा सलाइन तो सबसे ज्यादा सलाइन तो डेड सी है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है, कैलिफोर्निया, बाल्टिक, रेड नॉर्थ, बाल्टिक, कैलिफोर्निया, रेड नॉर्थ है। सबसे ज्यादा सलाइन कौन सा होना चाहिए, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, बाल्टिक, रेड नॉर्थ। देखो जो इंक्लूज बॉडीज होंगी वो ज्यादा सलाइन होंगी, और जो ओशन से कनेक्टेड होंगी उनका जो सॉल्ट है वो डिजोल्व हो जाएगा, नॉर्थ सी सलाइन नहीं होना चाहिए ज्यादा, बाल्टिक सी भी खुला हुआ है ये भी ज्यादा सलाइन नहीं है, बाल्टिक सी तो पूरा खुला हुआ है, नॉर्थ सी तो तब भी, नॉर्थ सी भी बिल्कुल खुला हुआ है, तो बाल्टिक और नॉर्थ सबसे कम सलाइन है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मुझे देखना पड़ेगा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मुझे आइडिया है अमेरिका के पास है, लेकिन एग्जैक्ट शेप देखना पड़ेगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये भी थोड़ी सी ज्यादा सलाइन होगी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मुझे ये आइडिया नहीं था कि यूएस और मैक्सिको के बीच में फंसी हुई है। नॉर्थ अमेरिका, अमेरिकाना, इसके ओशनोग्राफी पे आते हैं, यही है नॉर्थ अमेरिका की ओशनोग्राफी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये रहा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मैक्सिको के बिल्कुल, तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मैक्सिकन बोलना चाहिए, यूएसए का काम है, मैक्सिको का जाता है क्योंकि नीचे तो सब मैक्सिको ही है, बाजा कैलिफोर्निया, तो आई थिंक ये बंद कर लेता हूँ। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सिक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सलाइनिटी कंसंट्रेशन, बाल्टिक, नॉर्थ, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, रेड सी, तो बाल्टिक, नॉर्थ, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, रेड सी, सबसे ज्यादा सलाइन रेड सी होगा,
रेड सी अफ्रीका और अरब के बीच में है, ये काफी बाबल मंदाब है यहाँ पे, बहुत नैरो स्ट्रेट है, मतलब इसका ओशन से बहुत ज्यादा सर्कुलेशन नहीं होता है और चारों तरफ डेजर्ट टाइप का एटमॉस्फेयर ही है। तो रेड सी सबसे ज्यादा सलाइन है, फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, फिर नॉर्थ सी, फिर बाल्टिक सबसे कम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टोपोग्राफिकल फीचर्स फाउंड फ्रॉम अपर टू लोअर कोर्स ऑफ ए रिवर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टोपोग्राफिकल फीचर्स फाउंड फ्रॉम अपर टू लोअर कोर्स ऑफ ए रिवर? तो रिवर जब चलती है तो वो इरोजनल लैंड फॉर्म करती है, रिवर जब नीचे आती है डाउन स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम फीचर्स उसके डिपोजिशनल होते हैं। ऊपर रैपिड एस्चुरी ऑक्सबो लेक करेक्ट सिक्वेंस फॉर्म फ्रॉम अपर टू ऑक्सबो लेक रैपिड एस्चुरी। तो ऑक्सबो लेक तो नीचे बनता है जैसे बिहार में है ना वो कांवर ताल, रैपिड एस्चुरी एस्चुरी एस्चुरियन डेल्टा ये तो सबसे नीचे बनता है। एस्चुरी जो होता है वो रिवर जब सी में मिलने वाली होती है तो एस्चुरी बनती है। रैपिड सबसे ऊपर बनता है, तो रैपिड सबसे ऊपर पहाड़ों पे बनता है, ऑक्सबो लेक प्लेन पे बनता है, और जब बिल्कुल रिवर सी लेवल पे आ जाती है समुद्र से मिलने ही जा रही होती है तब एस्चुरी बनता है। रैपिड ऑक्सबो लेक एस्चुरी ये करेक्ट ऑर्डर है। रैपिड्स आर सेक्शंस ऑफ ए रिवर वेयर द रिवर बेड इज अ रिलेटिवली स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग इंक्रीज इन रिवर वेलोसिटी एंड टर्बुलेंस, बहुत तेजी से गिरती है वाटरफॉल टाइप का। ऑक्सबो लेक यू से बॉडी है वो मेंड्रिंग की वजह से बनती है, जो मेन स्टेम से कट ऑफ हो जाता है, फ्री स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर बन जाता है। और एस्चुरी एक बॉडी ऑफ वाटर है जो डेल्टा पे बनती है, फॉर्म वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर एंड स्ट्रीम फ्लोज इन टू ओशन। तो एस्चुरी ओशन रिवर और ओशन की बाउंड्री पे बनती है जहाँ पे मिक्सिंग होती है। तो रैपिड एस्चुरी ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक तो मुझे अच्छे से पता है, मैं रैपिड देखना चाहूंगा। रिवर रैपिड रिवर फ्लूवियल लैंड फॉर्म, फ्लूवियल लैंड फॉर्म रैपिड, रैपिड्स आर डिस्टिंक्टली स्टीपर ग्रेडियंट। इरोजन है, अच्छा जैसे मान लो ऐसे रिवर गिर रही हो और यहाँ पे रॉक का इरोजन हो जाए तो और स्टीपर ग्रेडियंट बन जाएगा, तो अच्छा ये है रैपिड। फास्टर इरोजन रेट स्टीप एंड ग्रेडियंट दिस स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम कॉजिंग रैपिड। अच्छा इसको मैंने लैंड फॉर्म में डाला हुआ है, मैंने एक बनाया हुआ है, आप सबको बता दूं जियोग्राफी का, मैंने UPPCS की जियोग्राफी में लैंड फॉर्म्स है, फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स मैंने पूरे बनाए हुए हैं, काफ़ी चीज़ें बनाई हुई है, फ्लड प्लेन है, ऑक्सबो लेन है, मेंड्रिंग बार है, लेवी है, एल्यूवियम है, डेल्टा है, ऑक्सबो लेक्स है, वीसेब वैली है रिवर की, कैनियन है, वाटरफॉल है, पॉट होल है, टेरेस है, डेल्टा है, लेवी है, लेकिन ये मिस कर गया था, ये मैं मिस कर गया था जिसका नाम है रैपिड, ये भी रोजनल लैंड फॉर्म है ऑफ कोर्स। आज रैपिड भी जुड़ गया मेरे इसमें, रैपिड 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 रैपिड, यूथफुल मैच्योर ओल्ड स्टेज। ऊपर जब रिवर निकलना स्टार्ट करती है तो यूथफुल स्टेज होती है, वहां पे रिल्स बनती हैं, गली बनती है, नाला बनता है, रेविन भी बनती है। चंबल रिवर जब निकलती है ऊपर यूथफुल स्टेज से तो रेविन बनती है, फिर उसके बाद वीसे वैली, गॉर्ज कैनियन, जब मैच्योर स्टेज पे आती है तो फैन बनाती है, लेवल फैन, ड्राई डेल्टा टाइप का, भामर, बंगर, बंगार, खद्दर। फिर जब ओल्ड स्टेज पे जाती है तो खद्दर, मेंड्रिंग,
डेल्टा, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये यंग मैच्योर और ओल्ड का भी एक डिफरेंस है। और यंग मैच्योर ओल्ड और कोई नहीं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का डिफरेंस है। प्लंज पूल भी एक मेरे हिसाब से इरोजनल लैंड फॉर्म है, फ्लूवियल लैंड फॉर्म, बेरेडेड चैनल। एस्चुरी, एस्चुरी जहां पे रिवर सी पे मिलती है। देखिए दोनों पानी अलग अलग लग रहे हैं, रिवर का पानी अलग है, सी का अलग है। ये आई थिंक ऊपर से आ रहा है, ये रिवर है, ये सी है। रिवर के पानी का कलर और सी के पानी का कलर बिल्कुल अलग है। रिवर फ्रेश वाटर है, सॉल्ट और ओशन सॉल्ट वाटर है, और जहां पे एस्चुरी बनती है वहां पे ब्रैकिश वाटर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्रोसो लेबराडोर बेंगुइला ओएसओ। तो क्रोसो लेबराडोर बेंगुइला ओएसओ, क्रोसो वार्म है, ये बिल्कुल सही है। लेबराडोर कोल्ड है, गलत है, बी तो गलत है। लेबराडोर ठंडी है, ठंडे तभी तो वहां पे कुत्ते, लेबराडोर और कैनरीज जहाँ पे ठंडी हो उसमें करंट होती है वहां कुत्ते बड़े अच्छी प्रजाति के मिलते हैं। बेंगुइला, बेंगुइला कोल्ड है, ओएसओ कोल्ड है, सब सही है, खाली लेबराडोर गलत है। वॉट इज द सिमिलरिटी बिटवीन मिलवॉकी डीप, जावा ट्रेंच एंड चैलेंजर डीप? भाई चैलेंजर डीप मुझे पता है पैसिफिक में है, जावा ट्रेंच भी पता है पैसिफिक में है, जावा सुमात्रा सब पैसिफिक ओशन है, एक साइड रिंग ऑफ फायर पे है पैसिफिक रिंग। मिलवॉकी डीप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे नहीं है, मिलवॉकी मेरे हिसाब से अटलांटिक में है। मिलवॉकी डीप अटलांटिक में, मिलवॉकी डीप यूएस के पास है तो अटलांटिक में तो होगी ना। क्यूबा, फ्लोरिडा, जुकातन पेनिनसुला, मिलवॉकी डीप।
हाउ डीप इज द अटलांटिक? आई थिंक मिलवॉकी डीप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अटलांटिक कितना डीप है उसमें मिलवॉकी डीप जरूर आ रहा है। एवरेज डेप्थ अटलांटिक की करीब 3.5 किलोमीटर है, मैक्सिमम डेप्थ 8.5 किलोमीटर के आसपास है। मिलवाउकी डीप डीपेस्ट पार्ट है अटलांटिक ओशन का, अटलांटिक का डीपेस्ट पार्ट मिलवाउकी है। ये जाना चाहिए ओसिनिया। ओसिनिया मिलवॉकी डीप, यहाँ तो मैंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड लिख रखा है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऑस, ये मुझे ले लेना चाहिए। फिर ओसियोग्राफी में डालू मैं, अगर ऐसी बात है तो ओसियोग्राफी में डालना चाहिए। ओसिनोग्राफी, 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 कहाँ हूँ मैं, कहाँ ढूंढ रहा हूँ, दिमाग कहाँ है मेरा। ओसनोग्राफी, ये रहा डिप, ये रहा मिलवॉकी डिप। मिलवॉकी डीप अटलांटिक का सबसे डीपेस्ट पार्ट है, मिलवॉकी डीपेस्ट इन अटलांटिक। मिलवॉकी डीप ये हो गया, मिलवॉकी डीप इधर है, अटलांटिक का सबसे। मिलवॉकी डेप्थ इज पार्ट ऑफ प्योर्टो रिको ट्रेंच टुगेदर विद सराउंडिंग द ब्रॉन्सन डीप। मिलवॉकी डीप एक इलॉन्गेटेड डिप्रेशन है और ट्रेंच का एक तरीके से फ्लोर है। प्योर्टो रिको ट्रेंच कंस्टिट्यूट्स द डीपेस्ट पॉइंट इन अटलांटिक ड्यूरिंग द फाइव डीप्स एक्सपेडिशन। फाइव डीप्स मतलब पांच सबसे जो ज्यादा डीप जगह हैं उनमें ये है, ओशन फ्लोर यूएसएस मिलवॉकी। अब ये पांच डीपेस्ट जगह देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, पांच डीप जगह कौन कौन सी हैं, नाम बताओ पांचों के। पांच डीप जगह हैं ब्राउनसन डीप यानी कि मिलवॉकी डीप, सदर्न ओशन का कौन सा डीप है, साउथ सैंडविच ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच साउथ ऑफ बाली, होराइजन डीप, टोंगा ट्रेंच, चैलेंजर डीप, पैसिफिक, मरियाना ट्रेंच, होराइजन डीप, टोंगा ट्रेंच। सेकेंड डीपेस्ट पॉइंट ऑन द प्लेनेट टोंगा ट्रेंच है, होराइजन डीप है जहां पे, होराइजन डीप, होराइजन डीप कहाँ पे, और एजेंडे कहाँ कुछ और खुल रहा है। विच बॉडी सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड?
सी। सुनामीज आर नॉट कॉज्ड बाई, हरिकेन से तो हो चुका है यार, कहाँ पे पहुंच गया फिर से। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन मिलवॉकी डीप, जावा ट्रेंच एंड चैलेंजर डीप? तो ट्रेंचेस हैं, पैसिफिक पे तो नहीं है, लेकिन पहला तो कबाड़ है। दे आर ऑल ट्रेंचेस इंडियन ओशन, ये भी कबाड़ है। दे आर ऑल ट्रेंचेस ऑफ अटलांटिक, ये भी कबाड़ है। दे आर द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक, मिलवॉकी अटलांटिक का डीपेस्ट पॉइंट है। जावा ट्रेंच इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है, और चैलेंजर डीप पैसिफिक का डीपेस्ट पॉइंट है। ये तीन डीपेस्ट पॉइंट है, मिलवॉकी अटलांटिक का, जावा इंडियन का, चैलेंजर डीप पैसिफिक, ये अपने अपने ओशन के डीपेस्ट पॉइंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसिंग फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसिंग फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक? रीजन फॉर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द पैसिफिक ओशन। अच्छा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का रीजन पूछे क्या? दे आर द डीप ओशन ट्रेंचेस अलॉन्ग दीज मार्जिन, तो ट्रेंच होने से अर्थक्वेक तो ना आने लगेगा। हाई माउंटेन स्ट्रेच अलॉन्ग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये भी सही है, लेकिन इसका रीजन नहीं है। द करेंट्स ऑफ द वास्ट पैसिफिक ओशन कंटिन्यू टू डैश अगॉन द पानी, समुद्र लहरें मारता है। नहीं, दीज मार्जिन कोइंसाइड विद द प्लेट मार्जिन, ये सही है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी डी। मिस्टर एक्स हैज बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड एट ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स में। जी नीचे, अर्जेंटीना नीचे है, ब्यूनस आयर्स। जी ब्यूनस आयर्स, साउथ अमेरिका में मुझे डालना पड़ेगा। ब्यूनस आयर्स, मैंने सिर्फ सेटलमेंट जिग्राफ नहीं डाली है, सेटलमेंट देख लो नीचे है तो नहीं, नहीं। सेटलमेंट ज्योग्राफी और साउथ अमेरिका, ये मैंने उठाया और यहाँ पे डाला। ब्यूनस आयर्स मोंटेविडियो पास पास ही है। ये एक डेल्टा है, आई थिंक ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो एक ही डेल्टा पे है। अगर आप देखो, मैं अभी दिखाता हूँ, वेनेजुएला, ब्यूटी ऑब्सेस्ड,
सवाना क्लाइमेट, काराकास कैपिटल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, अदर सिटीज माराकाइबो, वेलेंसिया, लेक माराकाइबो, ओरिनोको रिवर, लानोस, गल्फ ऑफ पेरिया, ऑयल गैस रिजर्व, लेक माराकाइबो, ओरिनोको रिवर बेसिन पे, इक्वाडोर वेनेजुएला का ट्रेड ब्लॉक है, साउथ गुआना हाईलैंड, एंजल फॉल्स, गुआना हाईलैंड में टेपूज हैं, टेबल टॉप माउंटेन, काराबोबो स्टेट है, वेलेंसिया ऑयल फील्ड्स हैं, वेनेजुएला के बाद मुझे खाना था उरुग्वे, उरुग्वे नॉर्थ ब्राजील, साउथ अटलांटिक में रियो डी ला प्लाटा, कन्फ्लुएंस ऑफ उरुग्वे एंड पराना रिवर। तो ये जो रियो डी ला प्लाटा था वो उरुग्वे और पराना रिवर का था। कैपिटल मॉन्टेविडियो, चीफ पोर्ट, इकोनॉमिक सेंटर, 45% उरुग्वे की पॉपुलेशन वही मॉन्टेविडियो पे रहती है, जस्ट साउथ ऑफ रियो प्लाटा कन्फ्लुएंस इज ब्यूनस आयर्स। तो रियो प्लाटा जो है उरुग्वे और पराना रिवर का एक साइड मॉन्टेविडियो है, दूसरी साइड ब्यूनस आयर्स है। और रियो डी प्लाटा रिवर वाइडेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और वाइडेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एस्चुरी है पराना और उरुग्वे की। नहीं तो इतनी बड़ी एस्चुरी तो सुंदरबन इससे ज्यादा बड़ा है, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, वाइड है। अर्जेंटीना एंड उरुग्वे ईस्ट ऑफ ब्यूनस आयर्स, मॉन्टेविडियो स्मॉलेस्ट नेशन इन साउथ अमेरिका, मोस्ट ऑफ द उरुग्वे कम्स अंडर पम्पास ग्रासलैंड नियर बाय अर्जेंटीना एंड ब्राजील। बढ़िया रिवाइज हो गया मेरा, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स और मॉन्टेविडियो। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर, अभी तो क्वेश्चन तो वही नहीं है। मिस्टर एक्स हैज बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन ब्यूनस आयर्स। ही हैज चूजन द फॉलोइंग शॉर्टेस्ट फ्लाइट रूट। ही हैज चूजन द फॉलोइंग शॉर्टेस्ट फ्लाइट रूट, मुंबई टू फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टू साओ पॉलो, साओ पॉलो टू ब्यूनस आयर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज विच लाइकली टू बी फ्लोन बाई मिस्टर एक्स, मुंबई टू फ्रैंकफर्ट। नाउ आई हैव टू सी, मुंबई टू फ्रैंकफर्ट, मुंबई टू फ्रैंकफर्ट में मेडिटेरेनियन नहीं पड़ रहा है, ब्लैक सी पड़ रहा है। हाँ, मुंबई टू फ्रैंकफर्ट में ब्लैक सी पड़ेगा, फ्रैंकफर्ट टू साओ पॉलो। फ्रैंकफर्ट टू साओ पॉलो, फ्रैंकफर्ट टू साओ पॉलो में, फ्रैंकफर्ट टू साओ पॉलो, साओ पॉलो, ये फ्रैंकफर्ट से साओ पॉलो जाने में अटलांटिक क्रॉस हो जाएगा, साओ पॉलो टू ब्यूनस आयर्स। अब साओ पॉलो तो वही है यार, साओ पॉलो ब्यूनस आयर्स तो पास में ही है, तो तस्मान सी ऑस्ट्रेलिया के पास, नो लेब्राडोर, लेब्राडोर सी कौन सा है, यही है लेब्राडोर। ब्यूफोर्ट सी देखना पड़ेगा, ब्यूफोर्ट सी कौन सा है, ब्लैक सी है, ब्लैक सी हुआ था मुंबई से फ्रैंकफर्ट में, ब्लैक सी हुआ था मुंबई से फ्रैंकफर्ट में, ब्लैक सी हुआ था। ब्यूफोर्ट सी लेकिन मुझे पता नहीं है, ब्यूफोर्ट सी मुझे नहीं पता है, देखना चाहूंगा, लेब्राडोर सी देखना चाहूंगा, वैसे मुझे मालूम है कनाडा के पास वाला है। मिस्टेक्स भी लाइक फॉर ब्लैक सी फाउंडेड बाय यूरोप और अनातोलिया एंड कॉकेकस। हाँ, टर्की के पास है ब्लैक सी और उसके ऊपर रसिया, कॉकेकस रीजन है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, कॉकेकस, कॉकेकस, लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी तो वही है कनाडा के पास वाला, बेफिन बे, लेब्राडोर सी। अच्छा, ब्यूफोर्ट सी,
कनाडा के ऊपर है बिफोर सी, बिफोर सी अलास्का। बिफोर सी अलास्का के ऊपर है, यूएसए कनाडा दोनों के ऊपर है। बिफोर सी अलास्का के ऊपर है, ये आर्कटिक के पास पहुंच गए हम लोग। ये मैंने डाले हैं यूएस में, क्या डाला है ये, ओसनोग्राफी तो है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया वगैरह डाला है। ये रहा ब्यूफोर्ट से, ये रहा ब्यूफोर्ट से, और लेब्राडोर सी, ये रहा लेब्राडोर सी, बिफोर सी सब ऊपर है यार, इसीलिए नहीं आ रहा था। बिफोर सी भी हो गया, लेब्राडोर सी भी हो गया एक ही साथ, हटसन भी। हाँ बिफोर सी, बिफोर सी, बिफोर सी, चुपची सी, साइबेरिया और लक्षा के बीच में चुपची सी है, चुपची। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ वाटर बॉडीज फ्रॉम लोअर टू हायर सैलिनिटी कंसेंट्रेशन इज करेक्ट। कौन सा सिक्वेंस सही है वाटर बॉडीज का, लोअर टू हायर सैलिनिटी, लोअर टू हायर सैलिनिटी इज करेक्ट, लोअर टू हायर सैलिनिटी। तो सबसे ज्यादा सलाइन तो रेड सी है, सबसे कम बाल्टिक है, आर्कटिक और होना चाहिए यार कम सलाइन, बाल्टिक आर्कटिक, आर्कटिक सी इनके सबसे ज्यादा सलाइन है, लीस्ट सलाइन सी इन द वर्ल्ड। अभी देखते हैं, लीस्ट सलाइन सी बाल्टिक सी, अरे लीस्ट सलाइन बाल्टिक। प्लेनेट का फ्रेशेस्ट सी वाटर फिनलैंड की गल्फ में है, नियर द नॉर्दर्न एंड ऑफ गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथ पार्ट ऑफ बाल्टिक सी, इसका तो मुझे देखना पड़ेगा। मोस्ट सलाइन है, सबसे कम सलाइन, सबसे फ्रेश वाटर जो आता है वो आता है बाल्टिक सी में, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ बोथनिया के पास, बाल्टिक सी, ये नॉर्वे स्वीडन, ये हमें लग रहा है बाल्टिक सी इसलिए ज्यादा फ्रेश है क्योंकि, तो फिर आर्कटिक ज्यादा क्योंकि ग्लेशियर का मेल्टेड वाटर है, बाल्टिक सी के इतने फ्रेश होने की वजह क्या है, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये सबसे फ्रेशेस्ट वाटर है, सबसे साफ, बाल्टिक सी सबसे साफ, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये वाला सबसे क्लीन पानी है, सबसे अच्छा पानी, इसीलिए सबसे अच्छे लोग हैं। रेड सी सबसे गंदा, अफ्रीका अरब वाला, साले गंदे लोग वहीं रहते हैं। रेड सी, बाल्टिक सी, आर्कटिक, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। आगे बढ़ते हैं, द रिवर बैंक इज वीकेस्ट वेयर द रिवर टर्न्स, यहाँ रिवर टर्न करती है वहां पे रिवर बैंक वीकेस्ट होता है, दिस इज बिकॉज वाटर गेट्स कंसंट्रेटेड ऑन द इनर बैंक,
effectively bounces off the outer bank as it turns, exerting an extra pressure on the bank. Bounce off करेगी outer bank से, टकराएगी और वापस आएगी. Flows faster as it turns, energy खोती है वहाँ पे, मतलब flows faster नहीं, reacts more effectively with the bank. Water effectively bounces off the outer bank as it turns, exerting an extra pressure on the bank. This is why the river bank is weakest where the river turns. Tsunami is small in open ocean, yet may be 30 meter high when it reaches a coastline. सही बात है. Tsunami is having long wavelength and they travel across the open ocean at a high speed. As they approach shore, the wavelength decreases and the wave height increases. दोनों सही लग रहे हैं. In the open ocean में tsunami की height कम होती है, 1 meter से कम. जब ये shore पे पहुंचते हैं जहाँ पे shallow water होता है, तो वहाँ पे height 15 meter हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे टकराते हैं और वो लॉन्ग वेवलेंथ शॉर्ट वेवलेंथ में हो जाती है, और वेवलेंथ घट के वो एनर्जी हाइट में चली जाती है. एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है. तो सुनामी जब आएगी ओपन सी में तो नहीं पता चलेगा. सुनामी ओपन सी टू कोस्ट, ये देखो सुनामी जब आई ओपन सी में तो कुछ नहीं था, कोस्ट पे आते आते बहुत भयंकर बन गई. जाना चाहिए ओशनोग्राफी, कहीं ना कहीं तो मैंने अर्थक्वेक सुनामी डाला है. अब वो कहाँ डाला है मैंने टॉपिक वाइज सीट में, शायद जियोमॉर्फोलॉजी में, अर्थक्वेक सुनामी वोल्केनो, अर्थक्वेक है सुनामी शायद यही है, ये है सुनामी. और है कोई सुनामी का? स्लो डाउन बट ग्रो इन साइज. आई थिंक द पॉइंट इज मेड. We will move on to the next question. Which one among the following is a cold oceanic current? Candy cold hai, Gulf hot hai, Brazil. Brazil current ka ek aur naam hai. Nahi, Humboldt to nahi hai. Brazil current ka ek aur naam hai. Brazil current east side hai, hot hai. क्रोशियो हॉट है, ब्राजील हॉट है, क्रोशियो हॉट है, गल्फ हॉट है, कैनी कोल्ड है, नॉर्थ अटलांटिक. विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए सी विदाउट हैविंग ए कोस्ट लाइन. विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए सी विदाउट हैविंग ए कोस्ट लाइन. विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए सी विदाउट हैविंग ए कोस्ट लाइन. Which one among the following is a sea without having a coastline? North Sea, Sargasso Sea, Baltic Sea, Bering Sea. Bering Sea की तो coast US भी है, रशिया भी है. North Sea की coastline तो पूरा यूरोप ही है, नॉर्दर्न यूरोप. Baltic Sea की coastline Baltic countries. Baltic कौन है? एस्टोनिया, लाथविया, लिथुआनिया. बाल्टिक तो ये ना नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क भी तो बाल्टिक. तो बाल्टिक सी तो बहुत फ्रेश होता है. बेरिंग सी भी है कोस्ट, बाल्टिक की भी कोस्ट है. नॉर्थ सी सार्गासो, चारों तरफ से पानी ही पानी है. सार्गासो सी सिर्फ चारों तरफ ओशन है, डजंट हैव ए कोस्ट लाइन. मिडिल ऑफ द अटलांटिक. अमंग द फॉलोइंग फीचर्स फॉर्म बाय रिवर्स इन देयर कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अपस्ट्रीम, करेक्ट ऑर्डर लेना है. मेंडर, डेल्टा, फॉल्स, ऑक्सबो लेक. तो आई थिंक फॉल्स पहले बनते हैं, टू. और आगे बढ़ोगे तो मेंडरिंग स्टार्ट होगी, मेंडरिंग स्टार्ट होगी तभी तो ऑक्सबो लेक बनेगी, और डेल्टा सबसे लास्ट में. तो ऑर्डर होना चाहिए फॉल्स, फिर मेंडरिंग, फिर ऑक्सबो लेक, फिर डेल्टा. फॉल, रिवर फॉल, वाटरफॉल तभी बनेगा जब रिवर हाइट लूज कर रही होगी. फिर आते हैं मेंडर,
फ्लैट लैंड में जब पहुंचती है तो इरोजन होता है, मेंढर बनते हैं, तो ऑक्सबो लेक बनती है। जब मेंढर कट ऑफ हो जाता है, फ्री स्टैंडिंग ऑफ बॉडी ऑफ वाटर बन जाता है, और लास्ट में जब रिवर का माउथ जहाँ पे होता है ओशन पे, वहाँ पे डेल्टा बनता है। और रिवर एक ओशन में, सी में, कई बार रिवर ओशन में जाता है, कई बार रिवर सी में जाता है, एस्चुरी में, लेक में या रिजर्वायर में चला जाता है। जरूर तो है ना ओशन में जाए। टाइड्स आर राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल कॉज बाय कंबाइन इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेज एग्जर्टेड बाय सन एंड मून। बिल्कुल सही है। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन 24 आवर विद रिस्पेक्ट टू सन। बिल्कुल सही है, बट कोई कनेक्शन ना। हाँ देखा, बोथ द स्टेटमेंट इंडिविजुअल टू एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भाई भाई अर्थ के रोटेट करने से, हाँ वैसे सही तो है, अर्थ अगर रोटेट करेगी तो ओशन वाटर चलेगा, ओशन वाटर चलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो वो अप डाउन होगा, कुछ हो सकता है। टाइड्स एंड राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल कॉज बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय सन एंड मून एंड द रोटेशन ऑफ अर्थ बिकॉज द अर्थ रोटेट्स वंस इन एवरी 24 विद रिस्पेक्ट टू सन। टाइडल रेंज इज नॉट कॉन्स्टेंट बट चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन वेयर द सन मून आर। ए सही। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। गुनिया, ओयासियो, कैनरीज, कोरेसियो, और मैप में लोकेशन है। देखा जाए तो सबसे पहले मुझे आसान कैनरीज लग रही है, क्योंकि तो वन जो है वो कैनरीज है, अफ्रीका के, स्पेन और अफ्रीका के बीच में कैनरीज करंट है। सी सी का होना चाहिए वन। कोरेसियो जापान रसिया इधर पैसिफिक के, ये थर्ड जो है पॉइंट थ्री थ्री थ्री, ये है मेरे हिसाब से कोरेसियो, तो यानी कि बी का होना चाहिए थ्री। कोरेसियो हो गई, ओयोसियो क्या बोल रहा हूँ मैं, कोरेसियो वॉम, बी का फोर होना चाहिए, यानी कि ओयोसियो कोरेसियो, ओयोसियो कोरेसियो सही, तो बी ओयोसियो ठंडी वाली, ठंडी वाली थ्री, सही तो बोल रहा था मैं, ओयोसियो बी थ्री, कोरेसियो गर्म वाली फोर। ये कोरेसियो है, ये ओयोसियो है, ये क्रोसियो है, ये ओरोसियो है, ये क्रोसियो है, ये ओरोसियो है, ये कैनजीज है, ये गिनिया है, यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनिया है ना, ये गिनिया है, ये कैनजीज है, क्रोसियो है, ओरोसियो है, गिनिया है, कैनजीज है, क्रोसियो है, ओरोसियो है, गिनिया है, कैनजीज है, क्रोसियो है, ओरोसियो है, गिनिया है, कैनजीज है, क्रोसियो है, ओरोसियो है, ओसियो है, क्रोसियो है, गिनिया है, कैनरीज है। तो गिनिया करंट इज ए स्लो वाटर दैट फ्लोज, गिनिया करंट वार्म वाटर है, गिनिया वार्म है, कैनरीज ठंडी है, गिनिया वार्म है। एंड द गिनिया कोस्ट ऑफ वेस्ट, तभी यहाँ पे वार्म है, तभी है नाइजीरिया वाइजीरिया। ओसियो करंट कोल्ड है, तभी यहाँ पे कोई रहता नहीं ओसियो की वजह, ठंडा साइबेरिया में। और कैनरी ठंडी है इधर, तो यहाँ पे अच्छा क्लाइमेट बन जाता है यूरोपियन का। कोरोसियो नॉर्थ फ्लोइंग ये है। इन द एब्सेंस ऑफ कोल्ड लेबराडोर करंट विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग विड हैपन। अगर लेबराडोर करंट नहीं होगी यहाँ कनाडा पे ठंडी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठंडा है तो वैसे ही हो। अगर कोल्ड लेबराडोर करंट नहीं होगी तो ऑप्शन देखते हैं, देर विल बी नो नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड। ये तो है कि लेबराडोर करंट ठंडी और यहाँ से अटलांटिक रूट गर्म, दोनों आके मिलते हैं तो बहुत बढ़िया फिशिंग ग्राउंड मिलता है। तो देर विल बी नो नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, जैसे क्या बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट ही तो बोलोगे अटलांटिक का, वैसे ये अटलांटिक है, नॉर्थ ईस्ट ये होगा, नॉर्थ वेस्ट ये होगा, तो नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए। देर विल बी नो फिशिंग ग्राउंड इन द नॉर्थ अटलांटिक, सेमी एरिड कंडीशन विल प्रिवेल। इन द एबसेंस ऑफ कोल्ड लेबराडोर करंट देर विल बी नो नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक। नॉर्थ तो ये हो गया, ईस्ट ये होना चाहिए था, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक क्यों लिखा है, अटलांटिक नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए था। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। हम्बोल्ड, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, बेंगुएला अगोलास, और कोस्ट है, किसके कोस्ट पे आते हैं। हम्बोल्ड करंट आती है चिली परू के, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट
नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, बेंगुइला अगुलास, अगुलास आता है साउथ अफ्रीका, यानी कि मोजाम्बिक मेडागास्कर, अगुलास आता है मोजाम्बिक मेडागास्कर, बेंगुइला आता है नामीबिया अंगोला, बेंगुइला आता है नामीबिया अंगोला, बचा क्या फिर? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट तो यूके नॉर्वे, तो करेक्ट मैच हुआ हम्बोल्ट है चिली पेरू, नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है यूके नॉर्वे, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट तो गर्म होता है और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म यूके नॉर्वे को गर्मी देता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म करंट, बेंगुइला है नामीबिया अंगोला, तभी तो अंगोला बहुत गरीब देश है बेंगुइला ठंडी की वजह से, अगुलास मोजाम्बिक मेडागास्कर, अगुलास साउथ अफ्रीका, अच्छा खासा मतलब रिलेटिवली रिच है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यूके के पास आता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यूके और नॉर्वे, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आता रहा यूके के पास और नॉर्वे तक चला जा रहा है, यूके के वेदर में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का बहुत बड़ा रोल है और यूके के वेदर को अच्छा बनाने में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का अच्छा रोल है, ये यूरोप के क्लाइमेट में आना चाहिए, यूरोप में ओशियानिक करंट्स में मैंने डाला है कि नहीं डाला है, यूरोप में स्नोग्राफी में करंट्स नहीं डाली है क्या मैंने अच्छे से? ये है छोटा करें, ये हो गया बड़ा, यूके क्लाइमेट में, यूके क्लाइमेट नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वार्म्थ का रोल है, और ये क्या भैया ये कौन दौड़े जा रहा है, कहाँ दौड़ रहा, पस्तजा स्टेपीज कहाँ पे, हंगरी में? सही बात है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ ने इधर यूएसए को वार्म कर दिया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ने यूके को वार्म कर दिया और बदले में कैनली ठंडी निकाल दी, आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो द लिस्ट, डेन्यूब, राइन, रोन, लोयरे, माउथ ऑफ द रिवर, डेन्यूब तो आई थिंक जो पाथ है उसका, डेन्यूब का वो जर्मनी अर्मनी को क्रॉस करते हुए स्विट्जरलैंड जर्मनी के बॉर्डर ऑर्डर से कहीं से स्टार्ट होता है और ये डेन्यूब ऊपर जाती है कि नीचे जाती है, राइन रोन डेनूब तो आई थिंक नीचे जाती है ब्लैक सी पे, ए का तो टू होना चाहिए, डेनूब ब्लैक सी पे जाती है, डेनूब ब्लैक सी पे जाती है 100%, राइन ऊपर जाती है जर्मनी में नॉर्थ सी पे, तो बी का वन होना चाहिए, रोन रोन और लोयरे देखनी पड़ेंगी, रोन रिवर मैप, लॉयरे रिवर मैप, रोन रिवर मैप, फ्रांस, रोन रिवर आई और नीचे कहाँ जानी है रोन रिवर को, रोन मेडिटेरेनियन, रोन नॉर्मंडी वॉर्मंडी चलती हुई आती है क्या रोन, हाँ रोन मेडिटेरियन जाती है, पेरिस किस पे, साइन रिवर, साइन और रोन अलग है क्या, पेरिस रोन पे है कि नहीं है, पेरिस
पेरिस किस रिवर पे है? पेरिस पेरिस ऑन विच रिवर? साइन रिवर। आफ्टर द लॉयर इज लार्जेस्ट, साइन, लॉयर, रोन, ये सब फ्रांस के रिवर हैं और पेरिस साइन रिवर पे है। यूरोप में अभी मैंने खोला था, खुला भी हुआ है। रिवर्स आते हैं, रिवर आई थिंक फिजियोग्राफी में आएगा और फिजियोग्राफी मैंने अच्छी खासी की भी है। ये फिजियोग्राफी है। पेरिस जो है वो साइन रिवर पे है, बाकी फ्रांस में रोन भी है, साइन भी है और एक और थी ना लॉयरे, लॉयरे भी है और रोन जो है वो मेडिटेरियन में जा रही है। ये रही रोन, ये रही रोन मेडिटेरियन में जा रही है। बे ऑफ बिस्के में तो कोई जाता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या रोन मैंने दिखा तो नहीं रखी पहले से? डबल डबल काम कर रहा हूँ, कुछ कुछ दिखाया तो है मैंने। रोन छोटा दिखाया बात, इसीलिए यूरोप मेरा अच्छा नहीं बना है। एल्बे दिखाई है, चेकोस्लोवाकिया से नॉर्थ सी जा रही है। रिवर कौन कौन सी दिखाई है यूरोप में? पिरेनीज, कार्पेथियन, यूराल। रिवर में देखता हूँ अभी, राइन की बात चल रही थी, राइन आई ब्लैक सी पे, ये कहाँ कहाँ से चलते हुए राइन आई। जूरिक से निकली गाड़ी स्टुटगार्ट चली, हल्ले हल्ले स्टुटगार्ट से चले आगे वियना, जाए ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से जाए हंगरी बुडापेस्ट, हल्ले हल्ले बुडापेस्ट से जाए सर्बिया बेलग्रेड, हल्ले हल्ले सर्बिया से जाए ये बुखारेस्ट रोमानिया, रोमानिया से ब्लैक सी जाए हल्ले हल्ले, तनक दिन दिनक तनक दिन राइन रिवर, रोन रिवर। ये है दनूब, दनूब कहीं बनाई है क्या मैंने दनूब? अरे बनाई तो है मैंने रोन मेडिटेरियन में जाती हुई, पर इतना गंदा बना है ना कि ये पता नहीं चल रहा है। हटा देते हैं रोन रिवर से, अच्छा तो इसको बड़ा कर लेते हैं। ये है ना रोन, ये है रोन। और कोई रिवर कम दिखाया है यूरोप में? इटेसियन, मेल्टिनियो, सिरोको, जेट स्ट्रीम, रिवर नहीं दिखाई है ज्यादा यूरोप में। पता नहीं क्या किया यूरोप में आपने, बड़ा बेकार तरीके से आपने यूरोप किया है। यूरोप में इतनी ज्यादा कंट्रीज में आप कंफ्यूज हो गए। आपने ढंग से एक एल्बे दिखाई है खाली ऊपर जाते हुए नॉर्थ, एक राइन दिखाई है ब्लैक जाते हुए, अब जाके मैं दिखा रहा हूँ रोन को मेडिटेरियन में जाते हुए, और सी दिखाए हैं, सी तो खैर यूरोप में बहुत है, और अब मैं एक और दिखाने जा रहा हूँ वो है लॉयरे। ये रही लॉयरे, ये जा रही है अटलांटिक ओशन में। फ्रांस की रिवर ब्रिटेन की तरफ जाते हुए इंग्लिश चैनल से थोड़ा सा नीचे है। एरी लॉरे रिवर फ्रांस से अटलांटिक ओशन की तरफ जाते हुए, तो आई थिंक लॉरे रिवर तो मुझे समझ में आ गया है। इसमें थोड़ा सा रोन में और समझने की जरूरत है। लियोन एक फ्रांस में सिटी है, वो रोन पे है। पेरिस तो नहीं है,
ड्रोन पे लियोन है, और कोई नाम समझ में नहीं आ रहा। रोम, रोन आती स्विट्जरलैंड से है, आई थिंक यूरोप कोलो फेयर से। और ये जो रोन लॉयरे तो सही बनाया है, रोन के मैप सही नहीं डालते तुम, अजीबोगरीब दिखने वाला है, हटाओ उसको। ये मिला मुझे रोन का, अच्छा स्विट्जरलैंड से आ रही है और माउंटेन्स में फ्रांस एंडोरा और इधर मेडिटेरियन में चली गई है कॉर्सिका के पास। फोन रिवर, लेक जेनेवा। अबे लेक जेनेवा का रून रिवर से कनेक्शन है, ये तो बहुत अच्छी बात मुझे पता चली। आगे बढ़ते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? हो तो गया दानूब, देनूब, देनूब, देनूब हो गई ब्लैक सी। देनूब तो देखी नहीं मैंने, अरे वो देनूब ही थी कि टाइम थी, कौन सी थी? देनूब रिवर मैप, ये तो थी देनूब ही तो थी। डेन्यूब हो गई ब्लैक सी, राइन हो गई नॉर्थ सी, रोन हो गई मेडिटेरेनियन, रोन हो गई मेडिटेरेनियन इधर से इधर, और लॉयरे है बे ऑफ बिस्के। लॉयरे बे ऑफ बिस्के, अच्छा बे ऑफ बिस्के, हाँ फ्रांस के इधर ये बे ऑफ बिस्के तो है, इंग्लैंड की तरफ यही तो आ रही थी लॉरे। सही, लॉरे हो गए बे ऑफ बिस्के। देर इज हाई सैलिनिटी इन द रेड सी, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई इन द रेड सी। सही है, रेड सी जो ट्रॉपिक्स हैं, रेड सी के अगर कोऑर्डिनेट्स देखे जाए, इसराइल के कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे, कोऑर्डिनेट्स। तो इसराइल का जो डेड सी है वो 32 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री जो डेजर्ट जोन है वहीं तो पड़ता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ द स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्रेशन भी है। पर 30 डिग्री नॉर्थ, अच्छी खासी ट्रॉपिकल गर्मी है इसराइल, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो चाहे ना हो, ट्रॉपिक्स पे जरूर पड़ता है। 30 डिग्री 32 डिग्री है इसराइल के कोऑर्डिनेट, 32 डिग्री नॉर्थ है कोऑर्डिनेट। तो 32 डिग्री नॉर्थ पे अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी, रेट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है तो सैलिनिटी ज्यादा होगी होगी। रेड सी और पर्सियन गल्फ दोनों ही बहुत ज्यादा सलाइन है इसी वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशियन करंट? लेबराडोर कोल्ड, क्रोसियो वार्म, परू कोल्ड, बेंगुइला कोल्ड, क्रोसियो वार्म। मूवमेंट ऑफ टाइड्स आर मोस्टली डिटरमाइंड बाई अल्बिडो, नो, विंड वेलोसिटी
रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ. आई थिंक टाइड्स एंड राइज एंड फॉल ऑफ द सिविल इज कॉज बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रोटेशन ऑफ अर्थ. रोटेशन का मतलब अर्थ का सनमून के चारों तरफ घूमना. अर्थ के सनमून के चारों तरफ घूमने में पेरिजी एपोजी आती है, कभी सन के पास कभी सन से दूर, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स में डिस्टेंस का फर्क पड़ता है ना, इसलिए 86 का सी होगा अर्थ का रोटेशन, रिवोल्यूशन नहीं. टर्म स्वेस रिफर्स टू, स्वेस पहली बार जानना, स्वेस स्वेस रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ टर्बुलेंट लेयर ऑफ वाटर अप द स्लोप ऑफ ए बीच एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ए वेव. इट इज कैपेबल ऑफ मूविंग बीच मटेरियल ऑफ सब्सटेंशियल वाटर. मूविंग बीच मटेरियल ऑफ सब्सटेंशियल वाटर, स्वेस वेव. क्या है स्वेस? फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर अप द बीच आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ वेव, स्वेस. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू मिड अटलांटिक रीज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ अटलांटिक ओशन अमंग द फॉलोइंग. मिड अटलांटिक रीज अटलांटिक के फ्लोर से करीब 3 किलोमीटर एबव है. मिड अटलांटिक रीज ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर ऊपर है फ्लोर ऑफ अटलांटिक. कोरल लीव्स दैट आर जनरली फाउंड अटैच टू द शोर विद एन इंटरवेनिंग सैलो चैनल और लगून इज कॉल्ड कोरल लीव फाउंड अटैच टू द शोर. फ्रिंज रीफ होना चाहिए मेरे हिसाब से जो शोर से अटैच होगा, और एक इंटरवीनिंग सैलो चैनल या लगून बन जाए, फ्रिंज रीफ होगा. फ्रिंज रीफ रीफ होती है जो फ्रिंज पे बाउंड्री पे बनती है, सोर्स से अटैच बाउंड्री पे. रोजन सेपरेट फ्रॉम द कोस्टल बाय स्मॉलर लगून भी बन जाता है कभी कभी. आइडेंटिफाई और फ्रिंज रीफ बाद में बैरियर रीफ ऑफ एटॉल बनता है. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर एंड एयर एट द सेम टेम्परेचर. ओशन वाटर और एयर में डेंसिटी सेम टेम्परेचर पे, यार ये तो नहीं पता मुझे. वाटर हैज ए डेंसिटी ऑफ 1000 ग्राम पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, गलत लिखा है. एयर दैट इज नियर सी हैज ए डेंसिटी दैट 1.275. तो इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ मच वाटर इज डेंस देन द एयर, देन 1000 बाई 1.25 इज 784. 784 यानी कि 800 गुना. ये तो मैं कर सकता था मुझे, क्योंकि वाटर की भी पता थी 1000 होती है, एयर की भी पता था 1.275 होती है, गैस तो कर ही सकता था ना बेवकूफ. 800 गुना ज्यादा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेज इज द हाइएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा टाइड कहाँ पे आती है? बे ऑफ बंगाल पे टाइड ऐसा सुना नहीं है. हडसन बे, बे ऑफ खंबात, बे ऑफ हुंडी. बे ऑफ फुंडी बे ऑन द अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इट हाइएस्ट टाइड बे ऑफ फुंडी की फाइट, मतलब बे ऑफ फुंडी की टाइड देखनी पड़ेगी. बे ऑफ फुंडी की टाइड देखनी पड़ेगी. ओके. है कहाँ है बे ऑफ फुंडी? अच्छा, नोवा स्कॉटिया के पास ये है, इधर कनाडा के पास.
टोरंटो, बोस्टन, न्यूयॉर्क से ऊपर, ये सबसे सेफ ही है। बी ऑफ फंडी नॉर्थ अमेरिका। ओशनोग्राफी ही चल रही है। बी ऑफ फंडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइएस्ट राइट, बे ऑफ हंडी। विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज द हाइएस्ट एवरेस्ट सलाइनिटी, डेड सी। यार भले भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछते हैं। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। नाइल, मिसिसिपी, गंगा, टाइबर। टिग्री सुना था, टाइबर कौन सी रिवर है? डेल्टा का टाइप बताना है। नाइल का बर्ड फूट होता है यार, नाइल का बर्ड फूट तो फेमस है। नाइल का लिखा आर्कुएट डेल्टा, आर्कुएट, जबकि पूरी दुनिया में फेमस है नाइल का बर्ड फूट डेल्टा होता है, आर्कुएट डेल्टा। बर्ड फूट कस्पेट आर्कुएट बने तो है डेल्टा, सिंपल डेल्टा, कस्पेट डेल्टा, बर्ड फूट डेल्टा, आर्कुएट डेल्टा। नाइल का डेल्टा आर्कुएट जी है, आर्कुएट डेल्टा नाइल का। मिसिसिपी का बर्ड फूट है, ये है मिसिसिपी का बर्ड फूट। गंगा का एस्चुरिन है, बनानी एस्चुरिन। टाइबर का कस्पेट है। अबे टाइबर कौन सी रिवर है? पूरी दुनिया जान ली मैंने, टाइबर नहीं जान पाया। टाइबर रिवर ब्रिटानिका। टाइबर इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन इटली। इटली में टाइबर का डेल्टा कैसा है, कुछ अलग का है क्या? टाइबर का डेल्टा कैसा लिखा है? कस्पेट, कस्प सीधा सीधा चला आ रहा है। बने तो हैं डेल्टा, और ये डेल्टा आई थिंक आने चाहिए जियोग्राफी पेपर वन। क्या खोल दिया मैंने? जियोग्राफी पेपर वन। आर्कुएट डेल्टा मोस्ट कॉमन शेप, आर्कुएट डेल्टा होता है। नाइल का मोस्ट कॉमन शेप है। क्रिप्टोस्टिक, लॉन्ग सोडियम डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ डेंच ट्रिब्यूटरी, मोस्ट ग्रेवली डिपॉजिट, नाइल डेल्टा आर्कुएट है। कॉन्वेक्स आउटर मार्जिन, नाइल डेल्टा आर्कुएट है 100%, यानी नाइल आर्कुएट है। दिस इज डोमिनेटेड बाय लेटिन मूल बाय टाइडल एंड वेव एक्शन, आर्कुएट डेल्टा। ट्रायंगुलर शेप, नाइल ओ आर्कुएट डेल्टा है। और कौन सा डेल्टा है? बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा। मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर गल्फ ऑफ मैक्सिको पे बर्ड फूट डेल्टा बनाती है।
ये तो अमेरिका में आना, हमें जाना चाहिए। ये रही आपकी मिसिसिपी रिवर, बॉल को डेल्टा बनाते हुए। ये रही मिसिसिपी रिवर, बर्ड फुट डेल्टा बनाते हुए। बर्ड फुट डेल्टा का एग्जांपल मिसिसिपी यूएसए, ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन इंपरवियस मटेरियल क्ले और मड, सीलिंग टोज बनाती है। गंगा का एस्चुरिन डेल्टा है, एस चू रिन डेल्टा। मेकोंग का डेल्टा एस्चुरिन है। ये फीका मैंने कहीं डाला कि नहीं डाला? मेकोंग और गंगा फॉर्म्स व्हेन रिवर सेडिमेंट डिपॉजिट इन सबमर्ज और ग्रोज इन द शेप ऑफ एस्चुरी। एस्चुरिन डेल्टा एग्जांपल ऑफ एस्चुरिन रिवर सनन। बर्ड फुट का तो मिसिसिपी ही है। और लास्ट है टेवर का कस्पेट डेल्टा, कस्प कस्पेट डेल्टा। अजीब सा शेप है कस्प टाइप का। कस्पेट डेल्टा शेप लाइक ए टूथ, जो दांत आगे निकला हो। बट जेंटल बट रेगुलर इन द वेटर बॉडी फ्लोज इन द लॉन्ग रिवर एब्रो डेल्टा इन स्पेन। स्पेन और इटली की कस्पेट डेल्टा बनाती है। अच्छा कस्पेट ये बर्ड फुट है पतला सा, ये आर्कुएट है। आर्कुएट, बर्ड फुट और कस्पेट में डिफरेंस है। ये कहीं जाना चाहिए यार, बहुत बढ़िया चीज दी इन्होंने। एक साथ दिखा दें दोनों। ये रहा, छोटा करो उसको। ये रहा आर्कुवेट, कस्पेट, बर्ड फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द पैसिफिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द पैसिफिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द पैसिफिक। कैनरीज अटलांटिक, क्रोएशियो पैसिफिक, हमबोल्ट पैसिफिक, कैलिफोर्निया पैसिफिक। कैंडीज अटलांटिक की। ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया, लेक एडवर्ड, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक अल्बर्ट, लेक ताना। है तो सब अफ्रीका की, विक्टोरिया एडवर्ड सभी सब प्रिंसेस के नाम है। विक्टोरिया, अल्बर्ट, एडवर्ड, ताना। ब्लू नाइल रिवर, व्हाइट नाइल है, ब्लू नाइल है। ब्लू नाइल लेक ताना इथियोपिया से चलती है, व्हाइट नाइल
River become another two major tributaries of the Nile. Blue Nile and White Nile. Blue Nile देखते हैं. Blue Nile River map. सही बात है, लेक ताना. अफ्रीका में दिखाया है मैंने शायद. 100% ब्लू नाइल दिखाया होगा. अफ्रीका. में रिवर में है क्या फिर, अगर नाइल नहीं दिखाई तो? बस कंफर्म कर लेते हैं. अफ्रीका की फिजियोग्राफी, अफ्रीका की जियोग्राफी में नाइल रिवर है. अह झंबेसी भी है, टोरिया फॉल्स, लेक विक्टोरिया, नॉर्थ विक्टोरिया सीक्रेट, लेक विक्टोरिया, ये है तो नाइल लीवर. नाइल लीवर दिखाई है मैंने, लेकिन नाइल लीवर लेक विक्टोरिया से दिखाई है. उन्होंने नाइल लीवर को बहुत अच्छे से नहीं दिखाया. ये क्या है तो ये है ब्लू नाइल लेक ताना. ब्लू नाइल लेक ताना से है. व्हाइट नाइल और पीछे से निकली है. व्हाइट नाइल तो बहुत पीछे से आ रही है, सूडान, जूबा, उगांडा, ये हमारे तो और पीछे से आ रही है व्हाइट नाइल. और दोनों मिल गई. ब्लू नाइल अलग है, व्हाइट नाइल अलग है. ब्लू नाइल निकलती है लेक ताना से, सूडान में जाके मिल जाती है. सूडान से व्हाइट नाइल आ रही होती है. ब्लू नाइल बहरहाल लेक ताना से है. और व्हाइट नाइल कहाँ से है? व्हाइट नाइल देखते हैं, क्योंकि आज के आज क्लियर कर लेते हैं. व्हाइट नाइल रिवर मैप. व्हाइट नाइल निकलती है विक्टोरिया से. व्हाइट नाइल निकलती है विक्टोरिया से, ब्लू नाइल निकलती है ताना से. व्हाइट भाई विक्टोरिया जो है वो गोरी थी, तो व्हाइट नाइल निकलती है वहाँ से. और ताना काली थी, नीली थी, तो वहाँ से ब्लू नाइल निकलती है. ऐसे ही याद रख पाएंगे, विक्टोरिया गोरी तो व्हाइट नाइल, ताना नीली तो ब्लू नाइल. ये रहे व्हाइट नाइल ब्लू नाइल मिलके अलेक्जेंड्रिया कायरो. व्हाइट नाइल निकली विक्टोरिया से, ब्लू नाइल निकली ताना से, दोनों मिलके नाइल अलेक्जेंड्रिया कायरो में चले गए. ब्लू नाइल व्हाइट नाइल चले गए. ठीक, ब्लू नाइल निकली लेक ताना. द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग सीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट में सीज का ब्लैक, मेडिटेरियन, कैस्पियन, एराल. तो आई थिंक वेस्ट टू ईस्ट मेडिटेरियन, मेडिटेरियन के बाद ब्लैक, के बाद कैस्पियन, फिर एराल. मेडिटेरियन, फिर ब्लैक, फिर कैस्पियन, फिर अराल. सी ऑप्शन. सेलेक्ट मैच लिस्ट. लीना, अमूर, टिग्रिस, माही. तो माही तो इंडिया की रिवर है, अरेबियन सी में जा रही है. टिग्रिस यूफ्रेटिस पर्शियन गल्फ में जाती है. अमूर, 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 अमूर रशिया में है.
आर्कटिक में जाती होगी। लीना, लीना पैसिफिक। यार ये मुझे अमूर नहीं पता है। अमूर रिवर मैप, लीना रिवर मैप। अमूर रशिया की है, मैंने दिखाई हुई है, रशिया चाइना बॉर्डर पे है। और ये अमूर जाती है रशिया चाइना बॉर्डर से पैसिफिक में, तो अमूर हो गया पैसिफिक। लीना देखो, अमूर दिखाई थी मैंने रशिया चाइना बॉर्डर पे, मुझे याद है अच्छे से। तो लीना जाती होगी आर्कटिक में, लीना जाती है आर्कटिक में, लीना डेल्टा आर्कटिक शाखा, ये वाली लीना। लीना जाती है आर्कटिक में, अमूर रशिया चाइना बॉर्डर पे, वो जाती है पैसिफिक में, टिग्रिस जाती है पर्शियन गल्फ में, माही जाती है अरेबियन में। डन। लीना आर्कटिक, अमूर पैसिफिक, टिग्रिस पर्शियन गल्फ, माही अरेबियन। लीना आर्कटिक, अमूर पैसिफिक, अमूर पैसिफिक, अमूर पैसिफिक, लीना आर्कटिक, 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 अमूर पैसिफिक। पनामा कैनाल जॉइंस, पनामा कैनाल का मैप देखते हैं। पनामा कैनाल मैप, पनामा कैनाल ज्वाइन करती है कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ पनामा। पनामा कैनाल ज्वाइन करती है, अटलांटिक का रास्ता छोटा कर देती है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लंबा हो जाता रास्ता। पनामा कैनाल ज्वाइंस पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, कोलंबिया, कोस्टा रिका। चार ऑप्शन है, पनामा कैनाल सबको ज्वाइन करती है। पैसिफिक है एक तरफ, एक तरफ अटलांटिक है, कोलंबिया है एक तरफ, कोस्टा रिका है। पनामा कैनाल यूएसए के लिए अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो पनामा कैनाल है। अगर पनामा कैनाल खो दे यूएसए तो कुछ ना बचे। फिजिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, क्लाइमेट, ये इकोनॉमिक जियोग्राफी। पनामा कैनाल दिखाई होगी मैंने, नहीं दिखाई है? दिखाओ कि पनामा कैनाल इतना इम्पोर्टेंट है, नहीं दिखाया पनामा कैनाल? ये रहा पनामा कैनाल, ये रहा। व्हाई इज द बिल्डिंग ऑफ द पनामा कैनाल इम्पोर्टेंट टू यूएस? क्योंकि पैसिफिक को अटलांटिक से कनेक्ट कर देता है। पनामा सिटी कितना रास्ता छोटा कर दिया भाई, सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क। घूम के जाओ और सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क पनामा कैनाल से चले जाओ, ये बड़ा अच्छा है भाई। अमेरिका को और कहीं नहीं, अपने आप में ही जाना है। सैन फ्रांसिस्को से कैनाल कैसे जाएगा, सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा, मिसिसिपी। डी, बर्ड्स फुट डेल्टा इज नेम ऑफ द रिसेम्बलिंग विद द शेप ऑफ बर्ड फुट, और ये मिसिसिपी में है। नाइल का नहीं है, अलग है, देनू भांगो नहीं। मिसिसिपी फेमस है अपने बर्ड फुट टाइप डेल्टा के लिए। रेड सी एन एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक वैली, इरोडेड वैली। वोल्केनो की वजह से तो नहीं है, इरोजन की वजह से नहीं है, जू से पहले नहीं है। एक्सेल्ट्रो, एक्सियल ट्रो का मतलब एक फॉल्ट के एक्सिस है, डिस्टॉर्शन ऑफ फोल्ड एक्सिस, डोंट वेरी फॉर्म टू सिंक्लाइन। एन एक्सियल समिट पास थ्रू इज नैरो टफ एंड वोल्केनिक मॉडिफाइड गैवन, रिलेस ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मीडियोस एंड इंक्रीज एंड डिप्लीज द लोकस ऑफ वोल्केनिक एंड हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी। रेड सी एग्जांपल ऑफ एक्सियल ट्रो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स इज यूज्ड इन इनलैंड वाटरवे इन सदर्न जर्मनी? जर्मनी में आई थिंक कैनाल वोल्गा डॉन, दोनों वोल का रशिया की रिवर है, जर्मनी की नहीं है। सॉल्ट सेंटे मेरी कैनाल, पता नहीं कहाँ की ये कैनाल। वाइट सी कैनाल, लुडविक कैनाल, लुडविक्स डेनू मेन कैनाल, और लुडविक्स कैनाल जर्मनी में है, अब एबंडन है। तो जब एबंडन है तो काहे पहुंच रहे हो? 1850 में बनी थी, अब कोई यूज नहीं करता,
यूपीपीएससी में पूछा जाता है। पक्की बात है ये, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में 2007 में जब भ्रष्टाचार करना था उनको, तब उन्होंने एसएससी कनाल पूछी ताकि कोई आंसर ना दे पाए। आंसर खाली वो दे पाए जिसको पेपर लीक किया गया हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन। लुडवी कैनाल 1850 के बाद कभी यूज नहीं हुई, ये कोई पनामा या स्विस तो है नहीं जो पूछी जानी चाहिए। लुडवी कैनाल जर्मनी में लोग नहीं जानते होंगे, यूपीपीएससी वाले पूछ रहे हैं, बेवकूफ बनाते साले। विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज द हाईएस्ट एवरेस्ट सलाइनिटी? हाईएस्ट एवरेस्ट सलाइनिटी जो है वो डेड सी में है। देखो बीपीसीएस में कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डेड सी टाइप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल लीव्स ट्रॉपिकल वाटर्स में है, ये बात सही है। 1/3 ऑफ द कोरल लीव्स ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया फिलीपींस में है, ये भी बिल्कुल सही है। कोरल लीव्स हैव मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइनल देन होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। कोरल लीव ओशन का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। कोरल लीव्स ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में, नंबर 1 इज इंडीड राइट। वर्ल्ड एरिया कवर्ड बाई इंडोनेशिया 18%, ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया फिर ऑस्ट्रेलिया फिर फिलीपींस में है। तो फिर वाइड रेंज ऑफ बायोडिवर्सिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी? अराल भी है, ब्लैक भी है, बैकल नहीं, ब्लैक सी का पता नहीं, बैकल रशिया में नहीं, अराल होगा। अराल सी इन सेंट्रल एशिया यूज टू बी फोर्थ लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड आफ्टर कैस्पियन लेक सुपीरियर एंड विक्टोरिया, नाउ बेली 10% ऑफ इट इज लेफ्ट। अराल सी सूख रही है। बैकल जो है रशिया में क्रिपल्ड बाई सीरीज ऑफ डेट्रीमेंटल फिनोमिना, डिसअपीयरेंस ऑफ द ओमल फिश, रैपिड ग्रोथ ऑफ प्यूरोड एल्गी, डेथ ऑफ द एंडेमिक स्पेसीज, बट देर इज नो मेंशन ऑफ ड्राइंग अप। तो बैकाल में कोई ड्राइंग नहीं है, ब्लैक सी में कोई ड्राइंग नहीं है, अराल में ड्राइंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? दिबांग, लोहित, कामेंग, आई थिंक सारी। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट इन अरुणाचल प्रदेश, इन जॉइन बाय दिबांग एंड लोहित असम पे, और सोनितपुर में कामेंग मिल जाती है। सब है, दिबांग, सिकांग, लोहित, सुबनसिरी, कॉमिंग, मानस, संकोस। सुनामी वेव्स आर अंडर सी अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक 7.5 रिक्टर स्केल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? नॉट करेक्ट। इट ऑफन जनरेट ए स्ट्रॉन्ग वेव, बिल्कुल सही। पैसिफिक कोस्ट आर मोस्ट वेलन सुनामी वेव, बिल्कुल सही है। सुनामी वेव्स आर हाई एनर्जी टाइडल वेव्स और सेस्मिक सी वेव बोल सकते हैं, लैटिन वर्ड नहीं है, सुनामी एक जापानीज वर्ड है। नेक्स्ट